Students, our today's topic is lipids, that is the continuity of the chapter number 2, biochemistry or the biological molecules. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर क्लासिफाइड जो उनके ग्रुप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स जो वो क्या हैं। तो पहले हमारे पास लिपिड्स के, लिपिड्स जो है वो होते क्या हैं। लिपिड्स आर द हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड्स एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड के अलावा जो है वो क्या होता है, और भी उसके साथ डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स एड जो होते हैं, लेकिन मेनली फैटी एसिड साथ मौजूद जो है वो होगा। हेटरोजीनियस ग्रुप, हेटरोजीनियस इसीलिए जब इसे कहते हैं कि फैटी एसिड के साथ और कौन कौन से जो है वो ऐड होते हैं। अगर फैटी एसिड के साथ सिर्फ ग्लिसरॉल जो है वो ऐड है तो हम उसे एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। अगर उसके साथ फास्फोरिक एसिड जो है वो लग गया है और उसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस जो ऐड हो गई है तो हम उसे जो है वो फास्फोलिपिड्स कहते हैं। अगर उसमें अल्कोहल ऐड हो गए हैं तो हम उसे वैक्सेस का नाम देते हैं। सो दैट इज ड्यू टू, इट इज कॉल्ड हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। हाइड्रो पानी, फोबिया हेट्रेड, सो पानी को ये रिपेल करते हैं, पानी से ये नफरत जो है वो करने वाले हैं। सो हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड्स एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें ये तीन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनको एक्सप्लेन जो है वो किया। लिपिड्स कंटेन द वैरायटी ऑफ द वाटर इन सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक की बात आ गई, वाटर इन सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसमें डाइवर्सिफाइड कंपोजिशन है। ये जो हेटरोजीनियस है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बात है, डाइवर्सिफाइड कंपोजिशन है, मींस उसमें कौन कौन से जो है वो डेरिवेटिव्स, जब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें एड अप होंगे तो उसमें ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये वेरिड जो होते रहते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स ये बनाते हैं। लिपिड्स की एनदर प्रॉपर्टी है, लिपिड स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ क्यू जी। कहते हैं अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। आप एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें, एक ग्राम जो है वो लिपिड जो है वो ले लें, तो कार्बोहाइड्रेट का जो एक ग्राम है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं। इस तरह प्रोटीन में भी ऐसे ही है। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेन्स द 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, व्हाइल 1 ग्राम ऑफ द लिपिड स्टोर 9 कैलोरीज ऑफ द एनर्जी। सो इट स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ऐसा क्यों है, इसमें ऐसी क्या जो है वो खसूसियत है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है? बिकॉज ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH bonds, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इन वॉटर्स ऑफ वाटर में पिछले टॉपिक में आपने जो है वो पढ़ा था कि CH bond they are called the potential source of the energy. So lipids contain the high proportion of this potential source of energy, carbon hydrogen bond. So they store the double amount of the energy as compared to carbohydrate and proteins. Examples में fats, oils, waxes, cholesterol and others. Classification. Lipids are classified into the following groups: acyl cholesterols, waxes, terpenoids, phospholipids, sphingolipids, glycolipids, and various are there. The major are these are 4, which are explained in the book. So sphingolipids are also not explained in the book. So acyl glycerols, they are the most abundantly found in the world. All type of the lipids में सबसे ज्यादा जो है वो abundantly पाया जाने वाला जो है वो acyl glycerols ही जो है वो होते हैं। और acyl glycerols जो है इसको हम next video में, next topic में जो है वो इसको explain करेंगे। Waxes, chemically waxes are the mixtures of the long chain alkanes with the odd carbon, odd number of carbon atoms. Even क्या होते हैं, even and odd का आपने सुना होगा, even जब 2, 4, 6, 8 और क्या होगा 1, 3, 5, 7। तो ये जो है वो कहां से लेके कहां तक, कार्बन 25 से लेके कार्बन 35 के दरमियान में जो ऑड आते हैं वो कार्बन जो इसमें इन अल्केन्स में होंगे। ये अल्केन इसका हिस्सा होते हैं, लॉन्ग चेन अल्केन्स प्लस अल्कोहल्स प्लस कीटोन्स एंड द ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये इन सब का ये क्या है, मिक्सचर्स है।
तो इनके मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, वैक्सेस का नाम जो है वो देते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं वैक्सेस के, ये क्या क्या करते हैं, कहां कहां होते हैं, दे आर फाउंड इन द एनिमल्स एज वेल एज इन द प्लांट्स, दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द फ्रूट्स लीव्स, फ्रूट्स के ऊपर इनकी प्रोटेक्टिव जो कोटिंग है, लीव्स के ऊपर है, स्टेम्स के ऊपर जब होती है, पत्तों के ऊपर तो खास तौर पे है, ताकि जो है वो वाटर का लॉस बेतहाशा जो है वो ना हो, पानी के लॉस को जो है वो रोकने के लिए जो है वो कुदरत ने ऊपर एक वैक्स की लेयर जो है वो लगा दी है, जिसको क्यूटेन का नाम भी जो है वो दिया जाता है। वैक्सेस आल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द वाटर लॉस, वही बात कि वाटर लॉस से भी ये जब वो पौधों को जब वो बचाएगी, एंड आल्सो फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। अब एब्रेसिव मतलब कि जो रगड़ खा के, जिस तरह हवाएं चलती हैं तो पत्ते पत्तों के साथ जब वो ब्रांचेस साथ रगड़ खाते हैं तो उससे पत्तों में, तो उसको बचाने के लिए जो है वो उसके ऊपर एक जो है वो वैक्स की लेयर जो है वो लगा दी कुदरत ने। सम इंसेक्ट्स आल्सो सीक्रेट द वैक्स, तो कुछ इंसेक्ट जो है वो वैक्स को सिक्रीट भी करते हैं, जिस तरह एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स जो है, ये आर्थ्रोपोड्स जो है ये अपने एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक जो है वो वैक्स की तह जो है वो लगाते हैं, आमतौर पे ये ब्लैकिश जो है वो होती है, शाइनी लुक जो है वो उनको देती है, और उनको वाटर बैरियर भी प्रोवाइड करती है ताकि पानी उनकी बॉडी में दाखिल ना हो या पानी जो है वो लॉस ना हो। दे आल्सो प्रोवाइड द वाटर बैरियर टू द इंसेक्ट बर्ड्स एंड शीप्स एंड आल्सो अदर इन द मैमल्स। नेक्स्ट आर द टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या हैं? टर्पिनॉइड्स का डाइवर्सिफाइड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ द लिपिड्स है, एंड दे आर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड द आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। तो आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो है वो पांच कार्बन का एक कंपाउंड है, C5H8 इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो ये पांच कार्बन का जो आइसोप्रिनॉइड यूनिट है ये रिपीट करता है अपने आप को, और रेपिटेशन के साथ ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स जो वो बनाते हैं, उनको हम टर्पिनॉइड्स का नाम जो देते हैं। उन जब टर्पिनॉइड्स में इंपोर्टेंट जो क्या है, रबर्स, कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स एंड स्टेरॉइड्स। रबर आपको पता ही है, रबर बनाई जाती है। कैरोटीनॉइड्स प्लांट के जो है वो असेसरी पिगमेंट्स भी हैं, कैरोटीन्स जिनको हम जो कहते हैं, स्टेरॉइड्स ये जो है वो हार्मोन्स भी जो है, टर्पीन्स ये टर्पेंटीन ऑयल पेंट्स वगैरह में भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ये वो हैं। अब ये जो आइसोप्रिनॉइड यूनिट है ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो इसमें जो वो डबल बॉन्ड आएंगे और एक इसमें ब्रांच है, और इसको अगर जो है वो स्केच किया जाए तो स्केच इसका जो है वो यूं होता है, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, ये इसकी ब्रांच है CH3, ये CH डबल बॉन्ड और ये CH2। यानी अगर जो है वो मैं इसको लिखूं कि ये CH2 इधर आ जाएगा, यहां पे CH आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, और यहां पे कार्बन, एंड दिस विल बी CH2। That is the isoprenoid unit, and these units repeat themselves from the large groups called the terpenoids. Next are the phospholipids. So phospholipids hai wo kya hain? फॉस्फोलिपिड्स से मगे यहां भी करते हैं, अनदर ग्रुप ऑफ द लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। ये फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, और ये इस चीज के जो है वो बना हुआ है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, फॉस्फोरिक एसिड,
and nitrogenous bases as choline, ethanol, amine, serine, etc. That is the composition. And these three components means fatty acid, glycerol and phosphoric acid, these three collectively form the phosphatidic acid. And when these nitrogenous bases are attached to this phosphatidic acid, they will come their derivatives, and their derivatives are called the phospholipids. What are their structures? Fatty acids and then glycerol. So, सबसे पहले glycerol का structure जो है वो बनाते हैं. Glycerol क्या है? This is a glycerol molecule. तो इसमें तीन OH हैं, तो तीन fatty acid जो है इसके साथ लगेंगे और ये HOH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और C डबल बॉन्ड O R इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसाइल ग्लिसरॉल. अब इसमें हम फास्फोरिक एसिड ऐड करेंगे. फास्फोरिक एसिड जो है वो क्या होता है? H3PO4. H3PO4. अब H3PO4 जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर जो है वो हम बनाएं तो ये किस तरह का होगा? दैट विल बी लाइक दिस. फास्फोरस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच एंड ओ एच H3PO4. ये H3PO4 जो है ये इस एक फैटी एसिड की जगह पे जो है वो लगेगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O R ये सेम मैंने अभी जो लिख दिया. अब हमने इसको रिमूव करना है और इसकी जगह ये फास्फोरिक एसिड जो है लगेगा ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फास्फेटिडिक एसिड. वी आर मूविंग रिलेटिव टू द डेफिनेशन. डेफिनेशन में हमने कहा जब पढ़ा था कि ये फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो कैसे बनेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरिक एसिड. ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स प्लस H3PO4 क्या बन गया? फॉस्फेटिडिक एसिड. अब इसमें हम क्या लगाएंगे? अलॉन्ग विद द नाइट्रोजिनस बेसिस. चले हम कुलीन ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा फॉस्फेटिडाइल कुलीन. This is the phosphatidic acid. Phosphatidic acid में जो है वो अब हम क्या करेंगे कि इसमें choline molecule जो है वो add करेंगे. अब choline molecule कहाँ add होगा? इस phosphoric acid के साथ जो है वो यहाँ पे attach होगा. चलें पहले इसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो है वो अभी ये पढ़ा था कि these are the derivatives of the फॉस्फेटिडिक एसिड. तो फॉस्फेटिडिक एसिड का डेरिवेटिव हमने जब बनाना है तो हमें इसमें नाइट्रोजिनस बेस ऐड जो है वो करना पड़ेगा. दैट इज लाइक द कुलीन. और कुलीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH3CH2N CH3CH3. इसके ऊपर प्लस जो है
ये है कोलीन। अब इस कोलीन को हमने यहां पे ऐड कर देना है, सी एच थ्री का एच जाएगा, इधर से जाएगा सी एच टू, सी एच टू एंड सी एच थ्री, सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहेगा क्योंकि इसने चार बॉन्ड जो है वो बनाए हुए हैं। सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेटिडाइल कोलीन, दिस इज द फॉस्फेटिडाइल कोलीन एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस फॉस्फेटिडाइल कोलीन इज द लेसिथिन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉस्फोलिपिड दैट इज कॉमनली प्रेजेंट इन द एनिमल्स, कॉमनली फाउंड, फॉस्फोलिपिड्स आर कॉमनली फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स में ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर आपने जो है वो बनाया तो आप इस तरह का उसमें जो है वो बनाते हैं इस तरह का। अब ये जो है ये यही वाली चीज है क्योंकि इसमें दो दो पार्ट पाए जाते हैं, एक इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है और ये इसका जो है वो क्या है हाइड्रोफोबिक एंड है। तो हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड, ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है और ये इसका हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, दैट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर विच यू हैव सीन इन इन द नाइन टेंथ इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने ये जब देखे होंगे। तो ये जो लिपिड लेयर है दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द सेल्स। सो वैक्सीज हो गए, टर्पिनॉइड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड्स जब हो गए, स्विंगोलिपिड्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन योर बुक, एसाइल ग्लिसरॉल्स दे विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। एंड वन मोर थिंग, व्हाट डज द लिपिड्स डू इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरियस कंपाउंड्स हैव द वेरियस फंक्शंस एज वी स्टडीड दैट फॉस्फोलिपिड्स दे आर द कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दे फॉर्म द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स लिविंग बॉडीज। टर्पिनॉइड्स में आपने देखा कैरोटीनॉइड्स, ये फोटोसिंथेटिक जो है वो पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो है वो बनाते हैं, वैक्सेस, वैक्सेस के आपने फंक्शंस जो है वो देखे थे कि ये बैरियर के तौर पर है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, एब्रेसिव डैमेज से जो है वो चाहता है, एक्सोस्केलेटन के ऊपर जो है वो एक इसकी लेयर जो है वो बनी हुई होती है। तो ये इनके जो फंक्शंस हैं वही क्या है लिपिड्स के जो फंक्शंस हैं, सो दीज आर द अबाउट द लिपिड्स।